नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं क्रॉस फायर। क्रॉस फायर में आज हमारे संग खास मेहमान मौजूद हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेदारी है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जीतकर उन्हें सोनिया गांधी को देनी है। क्रॉस फायर में देखना यह है कि क्रॉस फायरिंग का बड़ा तजुर्बा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, क्योंकि वो अपने आप सैनिक स्कूल से पढ़ के आए हैं। मेरा ऐसा कोई भी तजुर्बा नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने सैन्य विद्या जरूर पढ़ी है और मैं मिलिट्री साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। तो उनसे बात करेंगे आज। पहला क्रॉस फायर में सवाल मेरा यही है कि कितनी बड़ी चुनौती है पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को बचा के रखने की। 2004 में आपका ट्रैक रिकॉर्ड 9 आपने टारगेट पे लिए, 9 आपने उड़ाए, 9 जीते आप। फिर आप 2009 में आए, फिर आपने 9 उड़ाए। इस बार आप कैसे अपने टारगेट को बेहतर? बड़ी चुनौती तो हर चुनाव होता है, लेकिन मैं समझता हूँ जो मैं हालत देख रहा हूँ हरियाणा में, मैं भी काफ़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होके आ गया, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, आपका सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, कल गुड़गांव जा रहा हूँ, फरीदाबाद, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होके आया हूँ। जो रुझान मिल रहा है, जो एक किस्म से समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को हर वर्ग का, उससे मैं समझता हूँ पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। आपको लगता है कि इस बार 9-9 आप फिर जीत जाएंगे? हाँ, 10 में से 9, नहीं तो 10-10 भी जीत सकते हैं। 100% टारगेट आप शूट आउट कर देंगे? हो सकता है। आपको लगता है कि 10 साल ये सरकार रही है केंद्र में और 9 साल आपकी सरकार, अगर इसको देखें तो ये 19 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। ये मैं नहीं कहता, ये राजनेता कहते हैं, राजनीतिक विद कहते हैं, यहाँ तक कि आपके यहाँ के बड़े नेता वो ये कहते हैं कि इस बार हम हार जाएंगे। नहीं, हमारे यहाँ तो नेता कौन, शंकर अय्यर तक ने ये कह दिया। अच्छा, मैं सोचा हरियाणा की बात कर रहा हूँ, ये तो उनकी सोच होगी। मेरे समझ में जहाँ तक हरियाणा तक हरियाणा का सवाल है, क्योंकि यहाँ प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और लोग हर वर्ग के हमारी परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं, क्योंकि जो फैसले यूपीए सरकार ने किए उनकी डिलीवरी हमने कराई। जिस स्टेट ने डिलीवरी नहीं कराई वो फिर उनको क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन जिस जो स्टेट में जहाँ उनकी डिलीवरी हो गई, मान लो भोजन का अधिकार दिया हमने, इम्प्लीमेंट कर दिया हमें, और ये कैश ट्रांसफ़र का दिया वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, ये फर्स्ट इम्प्लीमेंट जो भी आया, भारत निर्माण के अंतर्गत जितनी भी सहायता मिली जो भी हुआ वो इम्प्लीमेंट हमने कर दिया। फिर आपका ये हेल्थ मिशन, ग्रामीण रूरल हेल्थ मिशन के दौरान जितने CSC PSC थे ऑलमोस्ट वी हैव कम्प्लीटेड। तो ये मतलब ये है, और शिक्षा के उसमें हमने हर जगह मतलब जो डिलीवरी की है, ताकि जिस आदमी के लिए पॉलिसी बनाई गई है बेनिफिट इज डिलीवर्ड टू दैट पर्सन। आपने इंदिरा प्रियदर्शनी आवास योजना भी दे दी, आपने डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू कैश सब्सिडी भी दे दी, भोजन का अधिकार भी दे दिया, लेकिन इसके बावजूद अगर हचका वहाँ पर है, विनोद शर्मा आपको छोड़ के चले जाते हैं, इसी तरीके से वहाँ पर आप पार्टी भी जा रही है और वो कह रही हम जीतेंगे, बीजेपी को सर्वे दिखा रहे हैं कि हम 9 जीत जाएंगे, ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब सर्वे का तो मैं हर बार ही सर्वे कोई कितने दिखाता है, सर्वे तो जो है लोगों के रुझान से पता लग सकता है। अब सर्वे 125 करोड़ आदमी है, उनके 4000 आदमी आएगा, 5000 आदमी का सर्वे लो, तो उसका मैं समझता नहीं हूँ कोई, आज तक तो कोई सर्वे ऐसा नहीं निकला है जो दुरुस्त हो। तो लेकिन ये है कि इतना मेरा भी राजनीतिक तजुर्बा है, लोगों के चेहरों से पता लग जाता है, लोग जब तो हम जाते हैं लोगों के इस प्रकार से समर्थन मिल रहा उससे दादा है, और हर बार ही देखते ही हम, बचपन से एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ हूँ, नब्ज पढ़ते ही लोगों की देखते ही हैं लोगों का क्या वो है, लोग हरियाणा में विकास से और जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है पॉलिसीज का उससे संतुष्ट है भाई लाल। एक बड़ा सवाल उठा था जब आप पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे, जो इस देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है और वो सोनिया गांधी भी कहती हैं, आधी आबादी महिलाओं को कितना सम्मान हरियाणा ने दिया है और भ्रूण हत्याओं को आप कहां तक रोक पाए हैं? नहीं, बहुत मतलब जो है हमारा जो था रेट उसमें सेक्स रेशियो में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुई है अनडाउटेबली, कई पॉइंट्स हमारे बड़े हैं क्योंकि हमने अलग अलग नीति बनाई है, जैसे आपके शिशु जन सुरक्षा योजना तो पूरे केंद्र से वो लागू की है, और जो केवल जिसके लड़की लड़कियां हैं उनको दूसरी लड़की जिसके होती है तो उसको हम जो है हर साल 5000 रुपये जमा कराते हैं 5 साल तक, ताकि जब वो 16-17 साल की हो, 18 साल की हो,
लाखों रुपए उसके पास हो, 1 लाख के करीब हो जाए, ताकि बोझ ना मांगे। और जो इनके केवल लड़की लड़की हैं, माँ बाप को वैसे हम 60 साल के व्यक्ति को पेंशन देना शुरू करते हैं, उनको हम 45 वर्ष में पेंशन देना शुरू कर देते हैं। जिस केवल महिला के नाम बिल हो बिजली का और मकान नाम हो, 10 पैसे प्रति यूनिट उसको रियायत देते हैं। और जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें भी महिला के नाम जो देते हैं उसमें भी 2% हम रियायत देते हैं। इस प्रकार से बहुत बहुत हमने बना रखी है। जैसे अभी जो पीछे नवंबर में रैली हुई थी, तो वहाँ हमने कहा जो भी लड़की स्कूल में अपने जाएगी पढ़ने आएगी, फ्री है उनका, किसी उसमें कोई वो नहीं लगेगा, किराया नहीं लगेगा। एक बड़ी बात थी, पिछली बार जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो युवाओं ने कहा, इस बार सबकी निगाह युवाओं पे है, राहुल गांधी की भी है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भी है, आपकी भी है। उन्होंने कहा जो पार्टी हमारी शादी कराएगी, कुंवारे रह जाते हैं लोग बाग हरियाणा में, उन्हें बहू नहीं मिलती घरों को और लड़कों को दुल्हन नहीं मिलती, इसके लिए आपने उनके दिल की बात क्या सुनी है? क्योंकि ये कहा था और यहाँ तक बात हुई कि 7 फेरे होते हैं, 8वां फेरा लेना है, बच्ची को बचाना है। नहीं, बच्ची को तो बचा रहे हैं, मैंने कहा ना जी, वो हमारे बड़े इम्प्रूवमेंट हुई सेक्स रेशियो में, फीमेल उसमें इम्प्रूवमेंट है, कई पॉइंट्स हमने इम्प्रूव किए हैं, और जो 0 to 6 ईयर्स की है, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में पीछे जो डाउन ट्रेंड चल रहा था अब इंक्रीज में है, आने वाले समय में हम एट पार हो जाएंगे। एक नब्ज़ आप लोगों ने छुई अभी UPA सरकार ने और आपने, इसमें कहा गया आपका बड़ा योगदान, जाटों को आरक्षण दे के आप लोग को कितना लगता है आखिरी मौके पर आरक्षण दिया गया है, और ये कहा जा रहा है ये खाली चुनावी स्टंट है, ये BJP का आरोप है? ऐसा है, ये जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, वो तो हमने 1 साल पहले दे दिया था, उसमें जाट भी थे, बिश्नोई भी थे, जाट सिख भी थे, त्यागी भी थे, रोड भी थे, 5 बिरादरी को ये दिया था, और जो बाकी बिरादरी रह गई, चाहे वो पंजाबी भाई हैं, ब्राह्मण हैं, अपना ये वैश हैं और राजपूत हैं, ये जो बिरादरियाँ रहेंगी इनका, क्यों गरीब तो गरीबी तो उनमें भी हैं, उनको भी आर्थिक उस पर हमने 10% दिया है, ताकि जब जो भी गरीब आदमी है आर्थिक उस पर है, उसमें भी गरीबी है, उनको भी 10% दिया है। जहाँ तक केंद्र का सवाल है, यहाँ अब जाटों को मिली है, राजस्थान में तो अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे जब दी थी, तो ये तो नहीं है कि वहाँ कोई अलग है या यहाँ अलग है, ये मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी, वो इम्प्लीमेंट की है। आपने कभी बड़ी बात कह दी है, आपने कहा हमने उन लोगों को भी जो गरीब हैं लेकिन ब्राह्मण हैं, जो गरीब हैं लेकिन वैश्य हैं, ये जो और कहीं ये आप नहीं जो है, और ये मैं कह रहा हूँ ये देश में लागू करनी पड़ेगी। ये जो बात आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को आरक्षण, बनियों को आरक्षण, राजपूत को, पंजाबियों को, ये जो आप कह रहे हैं ये हरियाणा ने कैसे लागू किया, ये आपसे जानना चाहते हैं? कह दिया, हमने कमीशन बिठाया था, रिकमेंडेशन आई, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, नौकरी 65,000 नौकरी निकाली हुई हमने, इसी के आधार पर निकाली हुई है। अगर गरीब है और वो गरीबी की रेखा से नीचे है तो चाहे किसी जाति का, वो पर्टिकुलर वो इनकम सीलिंग दे रखी है, इससे कम अगर उनकी आमदनी है तो उसके माँ बाप की, तो उसको मतलब उसका बेनिफिट होगा, उतना ही बेनिफिट होगा जितना औरों को है। ये ज़मीन पे कब तक आ जाएगा? आ गया, एडवर्टाइज हो गया, भर्ती शुरू हो गई, इंटरव्यू शुरू हो गए। हरियाणा के विकास की बात होती है, हरियाणा के विकास के मॉडल को ये कहा जाता है कि कांग्रेस का विकास का मॉडल हरियाणा है, BJP कहती हमारा गुजरात है, आप जब दोनों को देखते हैं तो खुद को कहाँ पाते हैं? ऐसा है, विकास चाहे गुजरात में हो, विकास चाहे पंजाब में हो, विकास चाहे राजस्थान में हो या किसी आसाम में हो, कहीं भी विकास होता है तो मेरे को खुशी होती है, क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय परिवार में पैदा हुआ हूँ, एक स्वतंत्र सेनानी के घर पैदा हुआ हूँ जिसने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई ली है, एक प्रदेश के लिए नहीं, लेकिन किसका कितना विकास हुआ है ये तो पैमाना, आप क्या समझते हैं क्या पैमाना आप लगाओगे विकास में? जो आप अंत्योदय, अंत्योदय समाज के आखिरी कोने पे बैठा वो गरीब शख्स जिसकी हिस्सेदारी आखिर तक किसके पास पहुंचेगी, उसमें आप सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं। अगर आप कहें फॉर एग्जांपल गुजरात की बात करें और मैं यहाँ हरियाणा में लागू करने लग जाऊं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मैं 1,000 रुपया पेंशन दे रहा हूँ बुज़ुर्ग को, 60 साल से ऊपर जितने हैं, 81% लोगों को दे रहा हूँ, तो वो घटाकर 400 करनी पड़ेगी, गुजरात में 400 है और केवल 22% को है, 60% काटने पड़ेंगे और पेंशन काटनी पड़ेगी, ठीक।
फिर जो मैं किसान को 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली दे रहा हूँ तो वो मेरे को 27 गुना 2 रुपए 70 पैसे। यानी आप कह रहे हैं कि अगर मैं गुजरात का मॉडल लागू करूं हरियाणा में तो बहुत महंगा हो जाएगा। ये तो आंकड़े हैं, ये तो आप पता कर लो। तो 27 गुना किसान को बिजली देनी पड़ेगी, और डीजल जो है किसान को जो मिलता है आज वो मतलब 7 रुपये और महंगा करना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात में वेट ज़्यादा है, 7 रुपये प्रति लीटर वो ज़्यादा है। जो शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास ए से हैं या BPL हैं, जिनको मैं बच्चों को स्कॉलरशिप देता हूँ हर महीने, कोई भी सरकारी स्कूल में दाखिल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ शेड्यूल कास्ट की लड़की कोई भी हो, कितनी ये नहीं है कि कितने परसेंट हैं और क्या नहीं है, क्या आमदनी है, जो भी दाखिल होती है उसको 225 रुपये महीना में वो वजीफ़ा देता हूँ उसके माँ बाप के नाम। अगर मैं वो यहाँ लागू कर दूँ तो सबको नहीं दे सकता, कुछ परसेंट को दूंगा और उतना ही दूंगा जितना मैं एक महीने में देता हूँ पूरे साल में गुजरात में मिलता है। तो आप ये समझ सकते हैं फिर किस वर्ग के लिए कर रहे हैं आप, और फिर आप प्रति व्यक्ति आय में देखें, प्रति व्यक्ति निवेश में देखें, प्रति व्यक्ति प्लान्ड बजट का खर्चा कितना और उसमें देखें, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन में देखें, कोई तो पैरामीटर आप देखेंगे ना, कोई तो आंकड़े देखेंगे आप। तो ये बात है, खुशी है मेरे को कहीं भी विकास होता है, सबका अपना अपना कोई हो सकता है, लेकिन ये आंकड़े अगर ये पैमाने जो मैं बता रहा हूँ किसी भी प्रदेश के आप पैमाने लगाने ले जाओगे तो बेसिकली 5 ही पैमाने होते हैं, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति निवेश कितना है, और प्रति व्यक्ति प्लान्ड बजट कितना खर्च कर रहा है, सरकार कितना खर्च करती है, आप सब मिला के जो प्रति व्यक्ति इतना खर्च है, और रिसोर्सेज कहाँ से आए हैं, रिसोर्सेज कितने हैं आपके, और फिर सोशल सेक्टर में आप सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हो। तो गरीब से गरीब आदमी तो उसको देख रहा है, आप आंगनवाड़ी का लगाओ। अरे मैं देखो महात्मा गांधी का प्रदेश है, वहाँ स्वतंत्रता सेनानी को 6,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है, मैं 25,000 रुपये देते हैं हम हरियाणा में, तो कोई तो पैरामीटर लगाओगे आप कहीं भी, तो वो तो है बात। हाँ मार्केटिंग तो भाई मेरे बस की नहीं है, आप लोगों की मर्जी की बात है, आप करो ना करो। भ्रष्टाचार के साथ साथ जो बात आती है बार बार निकल के, विकास, इसी पे पूरा चुनाव फोकस है आपके ऊपर। ये हरियाणा का चुनाव लड़ा जा रहा है, लोकसभा का चुनाव, लेकिन आप सामने हैं। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आपके पास कितना आया है, क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि गुजरात में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आया है। नहीं, प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा है, FDI हो सकता है वहाँ ज़्यादा हो, क्योंकि वो तो समुद्र का किनारा है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्स कोई नहीं है, मेरे को कोई आंकड़े नहीं पता, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लास्ट गवर्नमेंट हमारा कई गुना ज़्यादा FDI आया है यहाँ। और आप समझें यहाँ पर प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट में आज हरियाणा नंबर वन है। करनाल आपके पास एक ऐतिहासिक शहर है, कुरुक्षेत्र आपके पास ऐतिहासिक शहर है, आप पर्यटन की पॉलिसी क्या लेके आ रहे हैं जिससे रोजगार आएगा? नहीं देखिए, जैसे मान लो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र को तो मैं इंटरनेशनल टूरिस्ट बनाना चाहता हूँ। वहाँ पे देखिए तिरुपति का मंदिर रेप्लिकेट वहीं हो रहा है, इस्कॉन वहाँ आ रहा है, अक्षरधाम वहाँ आ रहा है, शायद ऐसा कोई भी स्थान नहीं होगा जहाँ पे इतने सारे मंदिर हों। ब्रह्म सरोवर वहाँ पर है जहाँ गीता का उपदेश हुआ, श्री कृष्ण ने किया, वो जगह वहाँ पर है। ज्योतिसर पूरा डेवलप कर रहे हैं उसको, और GT रोड पे करनाल को भी डेवलप किया हमने, करण लेक है और है वहाँ, डेवलपमेंट है, तो अच्छा टूरिज्म का बनाते हैं कुछ। नेचुरल तो हमारे पास इतना वो नहीं है। एक आप लोगों ने पॉलिसी शुरू की थी किसी ज़माने में, आप लोग फॉर्म टूरिज्म करा रहे थे और आप लोग गांव का टूरिज्म करा रहे थे, वो गांव का टूरिज्म कहां तक पहुंचेगा? कुछ करें लोगों ने, कुछ थोड़ा बहुत कामयाबी हुआ है, लेकिन उतनी कामयाबी अभी नहीं मिली है जितनी हम सोचते थे, लेकिन हो सकता है आगे मिल जाए। एक बार बार ये आरोप लगता है कि आपके यहाँ हाईवेज तो अच्छे बने हुए हैं लेकिन शहरों की सड़कें ख़राब हैं, कस्बों की सड़कें ख़राब हैं, इसको लेकर BJP बार बार कहती है, आप पार्टी कहती है, ये कैसे सुधरेगा? नहीं नहीं, कब सड़कें हमारी बहुत बेहतर स्थिति में हैं, पीछे थोड़ी प्रॉब्लम हुई जब मटेरियल की कमी हुई थी, अदरवाइज हमारी सड़कें बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे होती है, रिपेयर होती रहती है। पानी, बिजली, अस्पताल, स्कूल और कॉलेजेस में आपने कितना कुछ कर दिया जो आपको लगता है कि अब हरियाणा सबल खड़ा है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जिन पे बार बार चुनाव लड़ा जाता है। बिजली तो मैंने कहा जब 2005 में हमारी सरकार आई, अपना उत्पादन 1587 मेगावाट था,
आज 5500 के करीब अपना मेगावाट कर दिया। 1966 से लेकर 2005 तक केवल एक प्लांट लगा, अब हमारे 4 प्लांट लग चुके हैं और 5वां प्लांट न्यूक्लियर प्लांट जो है वो निर्माणधीन है। और अपनी प्रोडक्शन जो है, अपना उत्पादन 5500 हो गया। कुल अवेलेबल जो पावर थी जब 2005 में कोई 4200 मेगावाट के करीब थी, अब जो है 9,500-10,000 के करीब मेगावाट बिजली उपलब्ध है हमारे पास। और हमारी काफ़ी पोजीशन कंफर्टेबल है बिजली में। जिस तरह हाई तोबा पहले मस्ती थी, रोड जाम हो जाते थे हमारे आने से पहले, बहुत बुरा हाल रहता था, अब वो स्थिति नहीं है। फार्मर भी संतुष्ट है और सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं हम फार्मर को। हमने किसान की बात छेड़ दी, समर्थन मूल्य क्या दे रहे हैं आप, क्योंकि उसकी फसल का समर्थन मूल्य को लेकर हर बार बात होती है। ऐसा है, स्टेट का कंसर्न होता है कि शुगर केन का 301 रुपये हाईएस्ट है, और जब आप गुजरात की बात करें वहाँ तो 240 है, हम 301 दे रहे हैं। और बाकी जो है समर्थन मूल्य जो है अच्छा मिल रहा है, क्योंकि अगर आप हिसाब लगाएंगे पिछली सरकारों से, एनडीए सरकार के टाइम में गेहूं के समर्थन मूल्य में पूरे अपने कार्यकाल में 80 रुपये की बढ़ोतरी की प्रति क्विंटल, और कांग्रेस ये यूपीए की सरकार ने अपने कार्यकाल में 770 रुपये की प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की है। तो ये बात नहीं, बहुत अच्छा किसान को समर्थन मूल्य मिला है, गरीब आदमी को सस्ता अनाज मिला है, गरीब को भी उचित भाव मिला है। लेकिन समर्थन मूल्य की वजह जैसे हमने रिपोर्ट दे रखी है, बहुत लाभ हुआ, जो आपका जिसको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं वो हरियाणा ने तो पहले कर दिया था 4% पे, रोटी बैंक ने, और बैंक 11% 12% पे देते थे। लेकिन मैं एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया था प्रधानमंत्री जी ने, सारे देश के मुख्यमंत्री आए थे, तो हमारी रिकमेंडेशन पे आज पूरे देश में 4% उसका कर दिया, जो समय पे वापस देता है 4%। किसानों को आपने ऋण राहत दे दी है, ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हमेशा पानी को लेकर झगड़ा होता है, पानी हरियाणा देता है, आता दिल्ली है, आप कहते हैं पंजाब से भी हमें पानी मिलना चाहिए, पानी की समस्या कितनी आपने दिल्ली का हिस्सा हम पूरा देते हैं, अभी की जो लड़ाई है ये पानी की समस्या, अब गर्मी फिर आ रही है, पूरा हिस्सा देते हैं दिल्ली का हम। मुनक नहर का कितना काम, पूरा हिस्सा देते हैं, हो गया आपका मुनक नहर का, कौन सा सीएलसी का? हाँ, आप सीएलसी पूरी है, सिर्फ वो इन्होंने वो बंद करना है, एक जगह हम दे देंगे, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली का हिस्सा देने में बल्कि कुछ ना कुछ फालतू देते हैं हम, तो भाई दिल्ली हमारी राजधानी है, लेकिन पीछे तो हिस्सा उस जो जहाँ से ये कहते हैं हिस्सा की बात, वहाँ तो हिस्सेदार यूपी भी है, सारी स्टेट को कंसर्न लेनी पड़ती है अगर बढ़ना है तो। हम तो काफ़ी फिर भी जरूर से ज़्यादा देते हैं। हम एजुकेशन का हब आप बनाने की बात करते हैं, लेकिन हरियाणा वाकई में एजुकेशन का हब कब बन जाएगा, और स्पोर्ट्स का हब भी आप बनाने की बात करते हैं, तो ये पूरे देश के मानचित्र पर कब दिखेगा? पूरे देश के मानचित्र पर अब दिखना शुरू हो गया, आप पंचकूला से शुरू हो जाओ, वहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आ रहा है, वहाँ से कुरुक्षेत्र आओ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन आ रहा है, वहाँ से आप करनाल आओ, कल्पना मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहाँ से आप सोनीपत आ जाओ, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बन रही है, वुमन यूनिवर्सिटी हो गई, देश का पहला, आज़ादी के बाद पहला जो है सरकारी क्षेत्र में वुमन मेडिकल कॉलेज वहाँ बना है, तो ये छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज का वो यूनिवर्सिटी बन गई, निफ्टम वहाँ पर आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वहाँ पर आ गया, वहाँ से आप आ जाओ फरीदाबाद आ जाओ, वहाँ YMCA एक इंस्टीट्यूट था, वो यूनिवर्सिटी बन गई है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहाँ से आप गुड़गांव चले जाओ, देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, वहाँ से आप रिवाड़ी चलो, वहाँ जो रीजनल सेंटर था MDU का वो यूनिवर्सिटी बन गई है, और एक सैनिक स्कूल आया है, वहाँ से महेंद्रगढ़ चले जाओ, वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ रही है, वहाँ से भिवानी आ जाओ, वहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, आप झज्जर आ जाओ, वहाँ पे एम्स आ गया, वहाँ न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी आ गई, एम्स आ गया, वहाँ IITA का एक्सटेंशन आ रहा है, एक एक्सटेंशन सोनीपत में आ रहा है, वहाँ से आप रोहतक आ जाओ, वहाँ IIM आ गया है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई है, वहाँ से आप हिसार चले जाओ, नई एक लाला लाजपत राय के नाम से हमने यूनिवर्सिटी बनाई है एनिमल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की, तो आप किसी तरह हरियाणा किसी कोने में चले जाओ, राजीव गांधी इटसेल्फ जो है यूनिवर्सिटी जो है एजुकेशन जो सिटी है वहाँ पे 1.5 लाख विद्यार्थी होंगे, पूरे एशिया की सबसे बड़ा एजुकेशन हब होने जा रहा है, वहाँ नेशनल लॉ कॉलेज बन रहा है डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, और बहुत अच्छी अच्छी अशोका यूनिवर्सिटी तो बनी गई है और कई यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, वहाँ हर उसकी
नॉट ऑफ कोई राष्ट्रीय स्तर की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। आपने बताया कि इतना काम आपने कर दिया, इसके बाद हिसार की लड़ाई और रोहतक की लड़ाई, गुड़गांव फरीदाबाद की लड़ाई में आपको ज़्यादा चुनौती मिल रही है। आप 9 सीटें बचाने की बात कर रहे हैं और आप कहते हैं आप 10 भी ले लेंगे, काम आपने इतना किया है। आपको कौन सी ऐसी अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं मैं सभी जीत जाऊंगा, क्योंकि अगर इतना काम किया है फिर भी ये 4 सीटें ऐसी आ गई हैं। ये 2009 में भी यही बात कह रहे थे, ये फलानी सीट कमज़ोर है, वो तो जीत ही नहीं सकता, वो जीत ही नहीं सकता। जीते, आपको लग रहा है कि ये सारे आप शायद आप ही होंगे, आप कह रहे थे फरीदाबाद आ ही नहीं सकती इस बार की। नहीं, जो ये कह रहे हैं कि मोदी की लहर चल रही है, कहा जा रहा है आप पार्टी में कांग्रेस पार्टी की लहर, इस बात से आप कितना ना इत्तेफाक रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि हमेशा बदलाव आता है और अब कहा जा रहा है, बीजेपी बार बार ये कह रही है कांग्रेस मुक्त हमें देश बनाना है। ये तो कोई मुद्दा नहीं, कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया है, कांग्रेस कैसे मुक्त होगी, कांग्रेस देशभक्तों की पार्टी है। ये तो अपने स्वार्थ की बातें हैं, मुद्दे हैं, वही फलाना मुक्त किससे युक्त करोगे। कांग्रेस पार्टी एक कुर्बानी की पार्टी है, देश के हित की पार्टी है, सब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी है, एक जुड़ाव की पार्टी है जिसने देश को जोड़ा है। एक सोच आपने पैदा की जो मैं बार बार जानना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में हरियाणा स्पोर्ट्स का अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे एक नाम पैदा करेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि हम 125 करोड़ हैं, उसके बाद भी हम ओलंपिक में गोल्ड मेडल कम लाते हैं, ऐसा क्यों है? और हॉकी को कब हरियाणा अच्छे लोग दे देगा, आप हॉकी को कब अडॉप्ट करेंगे? नहीं, हॉकी का तो महिला तो टीम है हमारी, लेकिन हमारे तो बॉक्सिंग, रेसलिंग, हर गेम में हमारे हरियाणा में आप देखिए ना, 38 गोल्ड मेडल हिंदुस्तान को मिले थे यहाँ कॉमनवेल्थ में, उसमें से 22 गोल्ड मेडल हरियाणा के। अब देश मांग रहा है ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा मांग रहा है, पोटेंशियल बहुत है, टैलेंट बहुत है, इसी वास्ते हमने गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। तीन हमारी खेल नीति लेके आए हम, खेल नीति के 3 बेसिक इन्ग्रीडियंट हैं, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरों में भी इम्प्रूव किया है और रूरल स्टेडियम जो बनाए हैं हमने 250-300 के करीब बड़े बड़े गाँव में स्टेडियम बनाए हैं, ताकि जो प्रतिभाएं गांव में छुपी हुई हैं ना, जिनको बच्चों को मौका नहीं मिलता, उनको एक मौका मिले। आप हरियाणा में गांव में जाके देखो, दौड़ते मिलेंगे। फिर उसके बाद स्पेट टेस्ट हमने रखा है, जो टॉप के 5,000 बच्चे 8 और 19 साल की उम्र में जो हैं उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। 8 से 14 साल के बच्चे को 1,500 रुपये महीना, 14 से 19 साल को 2,000 रुपये महीना। टॉप के जो हैं 60 टेस्ट रख रखे हैं, स्पेट टेस्ट करते हुए 5,000 बच्चों को देते हैं। जब दिन मैंने शुरू किया था ये, उसमें कुल 80,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, 43,000 ग्राउंड में आए थे। अब पिछले साल जो है 17-18 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसके साथ साथ अकेला बच्चा नहीं आता, माँ बाप भी आते हैं ग्राउंड में देखने के लिए, एक माहौल बनता है। तो एक टैलेंट हंट करके, और फिर जब आदमी खिलाड़ी बन जाता है उसका फ्यूचर जो है अश्योर होना चाहिए। इस वास्ते हमने एक नीति बनाई है, पदक लाओ पद पाओ, जो भी इस लेवल फिक्स कर दिए, इस लेवल का जो पदक लेके आएगा वो इस लेवल का आदमी सरकारी नौकरी में भर्ती हो जाएगा। DSP तक हमने भर्ती की है। महंगाई कितना बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में? तो महंगाई तो सदैव रहा है, महंगाई जो है अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से महंगाई बढ़ती है। अब अगर आप डीजल लेते हैं, तेल बाहर से लेते हैं, वो आपके हाथ में नहीं है कीमत बढ़ती है, तेल की और गैस की बाहर से आप इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन महंगाई का असर आम आदमी पे, गरीब आदमी पे ना पड़े, उसके लिए जो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए ना, 2 रुपये किलो गेहूँ देना कोई छोटी बात नहीं है, सबको किसान को 14 रुपये किलो देना और उसका देना, मार्केटिंग फीस हमने ख़त्म कर दी ताकि सब्जी और फल भी सस्ते मिले, उसके ऊपर कम से कम असर डाल के उचित कदम उठाए गए हैं। ये फूड सिक्योरिटी एक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़रूर महंगाई का असर उनके ऊपर कम होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हमसे जो बन पड़ा है वो हमने किया है, लेकिन चुनाव के लिए कहा जाता है ये एक ऐसी कसौटी है जिस पे जनता 5 साल में सभी राजनेताओं को और राजनीतिक पार्टियों को कसती है। इस बार देखना है जब कसौटी पर वो कांग्रेस को कस रही होगी तो किस तरीके से वोट का बटन दबाएगी। लेकिन चुनौती बड़ी है, 9 की 9 सीटें जीतनी हैं और हुड्डा कह रहे हैं कि मैं 10 भी जीत सकता हूं। अब देखते हैं जब वोट पड़ेंगे तो जनता किसकी तरफ जाएगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि जनता इस बार कड़ा इम्तिहान ले रही है।
आज क्रॉस फायर में इतना ही। प्रखर प्रकाश मिश्रा को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।